नमस्कार, स्वागत है आपका नादे टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से, 27 सितंबर के महावैक्सीनेशन अभियान में जुटेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जुटे हुए हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक लेंगे, समितियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पहला डोज 100% लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दोपहर 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। महावैक्सीनेशन जो अभियान, हमने देखा कि इससे पहले भी महावैक्सीनेशन अभियान चलाया गया ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके और एक बार फिर महाअभियान की बात कही जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है अपनी निगरानी बनाए हुए हैं कोरोना के आंकड़ों पर और लगातार जो है वैक्सीनेशन को लेकर भी वो चर्चा करते रहे हैं, समीक्षा बैठक लेते रहे हैं कि किस कितने प्रतिशत जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, पहला डोज कितने लोगों को लगा सके, डोज कितने लोगों को लगना बाकी है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार करते रहे हैं। 27 सितंबर के महा वैक्सीनेशन अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों की बैठक लेंगे, समितियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पहला डोज 100% लगाने का लक्ष्य है। दोपहर 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता रिजवान का, जो किस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रिजवान, 27 सितंबर को एक बार फिर वैक्सीनेशन जो महाअभियान होना है उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा 27 सितंबर को जो है लक्ष्य रखा गया है कि पहला डोज जो है मध्य प्रदेश में सभी लोगों को लगाना है। साफ तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 2:30 बजे जो है बैठक लेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक लेंगे और साफ तौर से अधिकारियों को निर्देश देंगे किस तरीके से लोग जागरूक नहीं है उनको जागरूक किया जाए। तमाम जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, उसको लेकर महावैक्सीनेशन अभियान भी ये चलाया जा रहा है। ये 27 सितंबर को जो चौथा महावैक्सीनेशन अभियान है, इसमें साफ तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यही कहना है जो पहला डोज है वो पूरा जो है मध्य प्रदेश के लोगों को लगाया जाए। साफ तौर से इसके लिए जिला स्तर पे भी जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम लोगों से, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वैक्सीन है लगवाएं। देखने में ये आएगा जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनको जो है फोन कॉल के जरिए अब एक टीम गठित की गई है ताकि उनको फोन करके जो है जागरूक किया जा रहा है, उनको मैसेज किया जा रहा है जिन लोगों ने डोज नहीं लगवाया वो सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर डोज लगाएं ताकि जो कोरोना के जो मामले हैं ये रुक सके और जो है कोरोना की चेन टूट सके। जी पूनम जी, रिजवान, जिस प्रकार से हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है इससे पहले भी महावैक्सीनेशन अभियान चला चुके हैं और एक बार फिर से महावैक्सीनेशन अभियान की तैयारी में जुटे हुए हैं, सितंबर तक जो है फर्स्ट डोज कंप्लीट करने का जो है लक्ष्य रखा गया है कि 100% हम वैक्सीनेट हो जाएं। अगर प्रदेश की बात की जाए, अभी तक कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में फर्स्ट डोज का हो चुका है, सेकंड डोज भी कितने लोगों का कंप्लीट हो चुका है, कितने आंकड़े अभी तक जो है प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो क्या कहते हैं आंकड़े? बिल्कुल साफ तौर से आंकड़े की अगर हम बात करें, प्रदेश में 80 से 90 लाख लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है, उन्हीं के लिए ये जो है महावैक्सीनेशन अभियान जो है 27 सितंबर को रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर आज दोपहर 2:30 बजे बैठक भी लेने वाले हैं। तमाम जो अधिकारी हैं जिले स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश देंगे कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है और जागरूक किया जा रहा है तमाम लोगों को, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको ज्यादा से ज्यादा जो
है जागरूक करें, उनसे यही अपील करें कि जो कोरोना की अगर चेन तोड़ना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। साफ तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी लोगों से अपील कर चुके हैं, पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित कर चुके हैं ताकि जो कोरोना के जो मामले हैं रोक सके और जो जो चेन है वो टूट सके। आज दोपहर 2:30 बजे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बैठक लेंगे, वीसी के माध्यम से जो संबोधित करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक रहेगी। साफ तौर से इसमें भी जो वैक्सीनेशन जो 27 सितंबर को पहले डोज का जो लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश में सभी लोगों को लगना है, उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी और निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है और क्या अभियान चलाना है, सब पूरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से इसको लेकर चर्चा करेंगे। जी पूनम जी, रिजवान बिल्कुल जिस तरीके से जो आपने आंकड़े बताए हैं कि प्रदेश में कितने लोगों को अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगा, एक बहुत बड़ी संख्या सामने निकल कर आती है और ऐसे में सितंबर चल ही रहा है, कुछ ही दिन शेष हैं और सितंबर तक जो लक्ष्य रखा गया है, क्या लगता है कि 100% जो है सितंबर के आखिरी तक हम पूरा कर लेंगे, जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूनम, साफ तौर से इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, 80 से 90 लाख लोगों ने जो है वैक्सीन नहीं लगवाया है, काफी बड़ी चुनौती है सरकार के पास पहले डोज में ही ले गए। लेकिन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को भी पहले भी निर्देश दिए थे, आज भी निर्देश देंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कोरोना के अगर मामले बढ़ते हैं, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जो है अभी भी जताई जा रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है काफी चिंता की बात है। इसको लेकर आज बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने वाले, तमाम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जो अपने जिला स्तर पे है, अपने वार्डों में जो है जो वैक्सीनेशन जो 27 सितंबर को महाअभियान चलाया जाएगा उसमें के जनता को किस तरह जागरूक करना है, किस तरह लोगों को उससे अपील करना है, क्योंकि देखने में यह आया दूसरे डोज में, दूसरी तरफ अगर हम दूसरे डोज की बात करें तो दूसरे डोज में भी लोगों ने लापरवाही करी थी, 4 से 5 महीने हो गए हैं लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा है। उसके लिए जो एसडीएम स्तर पर एक टीम गठित करी गई थी जिले के कलेक्टरों ने, ताकि जो लोग हैं उनको फोन किया जाए और जागरूक किया जाए और जो वैक्सीनेशन जो लोग नहीं करवा रहे दूसरे डोज का उनको लगवाया जाए। अब पहले डोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ा आंकड़ा निकल कर आ रहा है, 80 से 90 लाख लोगों ने प्रदेश भर की अगर हम बात करें वैक्सीन नहीं लगवाई, उसको लेकर इस तरीके का अभियान चला जाए, किस तरीके लोगों को जागरूक किया जाए, इसको लेकर आज जो है बैठक रखी गई है। आप बने रही हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल महा वैक्सीनेशन अभियान फिर से जो है चलाया जाएगा, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, हालांकि काफी संख्या में लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी जागरूक नहीं है और इसको लेकर भी जागरूकता अभियान अभी भी चलाया जा रहे हैं, तमाम अपीलें की जा रही है, मंचों से अपील की जा रही है और शिवराज सरकार, तमाम मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो भी बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें अपने आप को, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है। जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बार बार ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाली जो तीसरी लहर है वो काफी खतरनाक होगी और तीसरी लहर का भी जो है कहा जा रहा है सितंबर के आखिरी अक्टूबर तक तीसरी लहर भी आने की संभावना जिस प्रकार से जताई गई, और उसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जल्द से जल्द सितंबर तक जो है हम 100% फर्स्ट डोज कंप्लीट करें और सेकेंड डोज की भी बात है तो हालांकि लोगों का कई लोगों का हो चुका है लेकिन लोग अभी भी अवेयर नहीं है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द जो है अगर कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो अपने आप को वैक्सीनेट जल्द करें।